हेलो वेलकम, मैं हूं जोहेब और आप देख रहे हैं एटीओ वीडियोस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे जान सकते हैं कि आपको किसी ने ब्लॉक किया है या किसी ने अपना आईडी व्हाट्सएप की या फिर अपना नंबर जो है वो डिलीट कर दिया है या फिर किसने अपने आईडी जो डीएक्टिव तो नहीं कर ली। तो बाज मरतबा ऐसे होता है कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं या फिर उनके बीच में कोई मसला हो जाता है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या कहते हैं अपना जो कॉन्टेक्ट हैं या फिर अपनी आईडी है वो डीएक्टिवेट कर लेते हैं। फिर हम समझते हैं कि उसने हमें ब्लॉक कर दिया, पर ऐसा नहीं होता। उसने हो सके अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट किया हो। तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है कैसे जान सकते हैं कि किसी ने आपको जो है ब्लॉक किया है या किसी ने अपना नंबर जो है या फिर आईडी जो है डीएक्टिवेट की है। तो ये सब जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस एटीओ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसी टाइप की वीडियोस देखते रहिए। और उसके अलावा जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल पर हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने व्हाट्सएप को ओपन करूँगा। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पे जो आईडी है एटीओ वीडियोस की, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये जो आईडी है। तो सिंपली अब देखिए, हमें यहाँ पे मालूम नहीं हो रहा कि इसमें पिक्चर भी नहीं है और इसमें और कोई चीज़ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है लास्ट सीन टुडे। अगर उस बंदे ने अगर ये लास्ट सीन भी अगर छुपा लिया तो फिर तो आपको पक्का पता ही नहीं चलेगा कि इसने आपको ब्लॉक किया है या इसने अपना जो पिक्चर है या लास्ट सीन है वो छुपा दिया है या फिर अपना अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, दूसरे मोबाइल पर जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने दूसरे मोबाइल पर चला जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरे मोबाइल पर आ गया हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने उस पहले वाले मोबाइल पे जो व्हाट्सअप था उसको क्या करूँगा, उसको ब्लॉक कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस तीन डॉट्स को क्लिक करके मोर में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक, तो मैं इसको कर दूंगा ब्लॉक। ये देख सकते हैं ब्लॉक। तो अब क्या हो गया, वो जो मेरे पास पहले वाले मोबाइल पे जो एटीओ वीडियोस का अकाउंट था वो मैंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया इस आईडी को। मतलब कि अब मैं जाऊँगा वापसी उसी मोबाइल पर। तो यहाँ पर अब मैं वापसी अपने पहले वाले मोबाइल पर आ गया हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एटीओ वीडियोस को मैं ओपन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से लास्ट सीन भी गुम हो गया है। तो वैसे भी कुछ ऐसे होते हैं जो लास्ट सीन वैसे भी प्राइवेसी लगा के गुम कर लेते हैं, पर यहाँ पर क्या है, हमारा जो एटीओ वीडियोस है वो मतलब कि आप ऐसा समझ लें कि ब्लॉक कर दिया है हमने अपने हाथों से। तो अब ये टेस्ट करेंगे कि वाकई उस बंदे ने जो है हमें ब्लॉक किया है या अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया है या फिर अकाउंट वगैरह डिलीट कर दिया है या फिर अपनी पिक्चर या फिर लास्ट सीन उसने गुम कर दिया है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो तीन डॉट्स हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे। तीन डॉट्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम न्यू ग्रुप को क्लिक करेंगे। न्यू ग्रुप को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर बंदे का नाम लिखेंगे जिसका मालूम करना है कि इसने ब्लॉक किया है या नहीं। तो यहाँ पे ये मैं क्या करता हूँ, एटीओ वीडियोस को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कलर के एरो के निशान को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारे पास अब ये मांग रहा है ग्रुप नेम। तो यहाँ पर ग्रुप नेम हम क्या लिख दें, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड करके हम इस टिक के निशान को क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहां पे टिक का निशान को क्लिक करेंगे तो यहां पे आपने देखा कि एक मैसेज आ गया। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूं, अब फॉर एग्जाम्पल ये भी मतलब का क्या होगा कि वो जो यू कुडंट मतलब कि ऐड दिस कॉन्टैक्ट, मतलब कि आप वो जो ब्लॉक वाला कॉन्टैक्ट है वो न्यू ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप नवा न्यू ग्रुप बनाएंगे तो उस ग्रुप में जो ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट होंगे वो ऐड नहीं होंगे और बकाया जो कॉन्टैक्ट है वो ऐड हो जाएंगे। तो आप इससे साबित कर सकते हैं कि कौन कौन से, किसने आपको ब्लॉक किया है, किसने आपको ब्लॉक नहीं किया, बल्कि सिर्फ पिक्चर और प्राइवेसी लगा के लास्ट सीन छुपा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक लाइक तो बनता है बेटा, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।